हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनीशा। तो दोस्तों, दिवाली के दिन कितने दीपक और कहां जलाने चाहिए, जाने इसका सही तरीका। जी हाँ दोस्तों, दिवाली भारत का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है। ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। इसलिए दोस्तों, कार्तिक अमावस्या की काली घनी रात को दीपक के प्रकाश में जगमग करने की परंपरा है। मान्यता है कि दिवाली के दिन भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। दोस्तों, भगवान राम के वापस लौटने की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को फूल, रंगोली या रंग बिरंगी लाइटों और दीपों से सजाते हैं और घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जानते दोस्तों कि इस दिन कहाँ पर दीपक जलाना महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, पहला दीपक धनतेरस के दिन जलाया जाता है। ये दीपक धनतेरस के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। इस दीपक को जलाने के पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से घर में यमदेव का प्रकोप नहीं होता है और परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये दीपक सरसों के तेल से जलाया जाता है। दीपक जलाने के बाद इस बात का ध्यान रखे कि घर का कोई सदस्य फिर घर से बाहर न जाए। दोस्तों, दूसरा दीपक पूजा स्थल पर। जी हाँ, दिवाली के दिन एक दीपक घर के मंदिर या पूजा स्थल में जरूर जलाना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, तीसरा दीपक तुलसी के पौधे के पास जलाना चाहिए। जी हाँ, दिवाली पर दीपक तुलसी के पौधे के नीचे जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, चौथा दीपक तिजोरी या धन रखने के स्थान पर जरूर जलाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ आप जहाँ पैसे रखते हो या गहने रखते हो, उस स्थान पर दीपक जलाने से धन स्थायी रूप से आपके घर में बढ़ता ही चला जाता है। तो दोस्तों, पांचवा दीपक मुख्य द्वार पर। जी हाँ, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि घर में प्रवेश करती है। यह लक्ष्मी जी के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, छठवा दीपक पीने के पानी के पास। जी हाँ, दिवाली पर एक दीपक उस स्थान पर जरूर रखे जहाँ से पूरे परिवार को पानी पीने का जल आता हो। तो दोस्तों, सातवां दीपक रसोई के स्थान पर। जी हाँ दोस्तों, रसोई में दीपक जलाना माँ अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद पाने का प्रतीक माना जाता है, जो घर में अन्न और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, आठवां दीपक खिड़कियां और बालकनी के पास। जी हाँ, घर की सभी खिड़कियां, बालकनी और दरवाजे पर दीपक जलाने से पूरे घर में रोशनी फैलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो दोस्तों, नौवां दीपक आंगन या छत पर। घर के आंगन या छत पर दीपक जलाने से पूरे घर में उजाला रहता है और यह नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। दोस्तों, आपकी वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और कमेंट्स में जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।